क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। टू बॉडीज ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, टू बॉडीज ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग और हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू फर्स्ट बॉडी ए एंड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। व्हाट इज द टेंशन स्ट्रिंग इन ईच केस। ये आपके सामने है। देखिए, टू बॉडीज ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक 10 किलोग्राम की बॉडी है, 10 किलोग्राम का एक बॉडी है। टू बॉडीज ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम respectively are kept in a horizontal surface and tied to the ends of a light string। और ये जो है आपने इसको एक हल्के धागे से बांध रखा है। हल्के धागे का मतलब मासलेस, उस धागे का कोई मास नहीं है, उस धागे का कोई मास नहीं है, मतलब आप उसका मास ऐड नहीं कर दोगे कि ये रस्सी हमारी एक किलो की है, उस रोप का कोई मास नहीं है। ये कितने किलोग्राम है? 20 किलोग्राम है। ओके, horizontal table are tied to the ends of the light string, a horizontal force 600 newton। अब इस body का नाम आप ले लो, 10 kilogram है। अब एक 600 newton का force लगाया जा रहा है, first कहाँ पर? A पर। okay, and दूसरा B along the direction of string। what is the tension of the string in each case? बताइए कि धागे में तनाव कितना होगा, इस धागे में tension आपको बताना है। समझ में आया? पहले आपने force ये लगाया है, पहले आपने फोर्स ये वाला लगाया है, किस पर? 10 वाले पर। किस पर लगाया? 10 वाले पर। फिर आपने फोर्स इसको हटा करके सेकंड केस में आपने फोर्स किस पर लगाया? 20 वाले पर। आपको बताना है कि यहाँ धागे में टेंशन कितना होगा। समझ रहे हो ना? देखो, अब टेंशन का मतलब क्या है, जब आप यहां से इसको पुल करोगे, जब आप यहां से इसको आप पुल करोगे तो इस धागे में खिंचाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, तभी तो ये इसको इधर की तरफ खींचेगा। बोले यस और नो? खींचेगा ना। तो इस धागे पर, इसकी वजह से इस पर ये खिंचाव पड़ेगा। क्लियर है ना? तो इस पर टेंशन निकलेगा। अभी मैं टेंशन के बारे में, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, अभी बहुत बातें करनी है इस क्वेश्चन के बारे में आपसे। ओके, दूसरी बात, अब मुझे ये बताओ कि पहले आप यहां पर खींच रहे हो उसको, तो यहां पर जो खिंचाव पड़ेगा इस डोरी पर, वो किस मास की वजह से पड़ेगा? 10 किलोग्राम वजह से कि 20 किलोग्राम की वजह से? 10 किलोग्राम की वजह से पड़ेगा, क्योंकि ये 10 किलोग्राम का है। क्लियर है ना? अगर आप इस पर खींचोगे इधर से, तो बताओ अब जो खिंचाव पड़ेगा इस डोरी पर, खिंचाव किस तरफ पड़ेगा? इस तरफ खिंचाव पड़ेगा ना, ये आगे की तरफ खींचेगा, इस पर ये टेंशन पड़ेगा। तो अब ये टेंशन किसकी वजह से पड़ेगा? 10 की वजह से कि 20 की वजह से? 20 की वजह से। मतलब यहां पर टेंशन ज्यादा है, मतलब यदि आप इस तरफ से खींचो तो डोरी के टूटने का खतरा कम है, यस और नो? बट यदि आप यहां पर खींचोगे तो डोरी के टूटने का खतरा ज्यादा है। जैसे रेलवे का इंजन होता है ना, रेल का इंजन, ये सबसे आगे इंजन होता है, उसके आगे एक बोगी लगी है, कार्ट लगे हुए हैं सारे, समझ में आया ना? तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको रहता है? रेलवे के इंजन को। क्यों? क्योंकि उसको सबका इधर का पूरा वेट लेकर के खींचना है, उसको पुल करना है, समझ गया? तो सबका जितना फोर्स है उसको यहाँ पर लगाना है रेलवे को, आगे इंजन को। बट यदि आप लास्ट वाले बोगी की बात करो, अगर आप लास्ट वाले पार्ट की बात करो, देखो तो ये, तो इस पर जो पुल पड़ेगा वो केवल इसकी वजह से पड़ेगा, इसका जो खिंचाव होगा वो उसका खिंचाव इस पर पुल पड़ेगा। बट यदि यहाँ पे मैं बात करूं तो इन दोनों का जो पुल है वो इसको खींचना पड़ेगा, सही है सर? तो इस पर क्या हो रहा है, टेंशन बदलता है, टेंशन जो होता है चेंज होता जाता है, ठीक है ना? तो ये उस लेवल का क्वेश्चन है। अभी बच्चों हम आपको टेंशन सिखा रहे हैं। सबसे पहले टेंशन कैसे निकाला जाता है, देखो याद रखो, टेंशन एक रिएक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स? रिएक्शन फोर्स। अभी बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा आपको टेंशन, क्योंकि ईजी नहीं है थोड़ा सा। ओके, जैसे कि आपने ये फोर्स लगाया, अभी दो ब्लॉक सिस्टम में आपको दे रहा हूं, ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये आपने इस पर फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया इस पर, इस तरफ, तो ये पूरी बॉडी को खींचेगा। अब ये वाली बॉडी इस वाली को क्या बोलेगी? चलो यार खींचो, इस तरफ चलना शुरू करो, बोलो यस और नो? तो इस वाली बॉडी को देखो, ये वाली जो बॉडी, इसकी वजह से इसने इस पर टेंशन लगाया, खिंचाव लगाया आगे की तरफ, ये हो गया इसका एक्शन। क्या हो गया? एक्शन। बेटा बदले में इसके क्या मिलेगा? रिएक्शन। क्या मिलेगा? रिएक्शन। तो ये जो फोर्स है, ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये इस ब्लॉक पर लगने वाला टेंशन ये हो गया, समझ गए ना?
इसका टेंशन ये होगा, सॉरी ये जो है इसका एक्शन है, तो इसकी वजह से इसने जो रिएक्शन प्रोड्यूस किया वो ये है टेंशन टी। फिर से समझा रहा हूं, देखो आपने एक ये ब्लॉक है, आपने यहां पर ये ब्लॉक टांग रखा है, ये ब्लॉक टांग रखा है, ओके। अब ये ब्लॉक देखो, ब्लॉक नीचे की तरफ क्या दे रहा है, एक्शन, नीचे की तरफ आपने एक्शन मान लिया, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तनाव टी, टेंशन। तो ये रिएक्शन है, क्लियर हो गया, ये इसका रिएक्शन है। तो इसकी वजह से टेंशन कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, इसकी वजह से टेंशन कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, क्लियर हो गया। तो ये इसका रिएक्शन फोर्स है। अभी टेंशन मैं आपसे बार बार पूछूंगा, बताओ इसका टेंशन कहां लगेगा। चलो देखो, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ओके, हमने इस पर फोर्स लगाया, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, अब इससे बिल्कुल बात मत करो। अब ये इस पर एक्शन कहां लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा ना, तो ये हो गया इसका एक्शन, ये हो गया इसका एक्शन, इसका एक्शन है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसका रिएक्शन कहां प्रोड्यूस होगा, दूर की तरफ, समझ गए ना। तो इस ब्लॉक पर लगने वाला टेंशन कौन सा होगा, ये वाला, समझ गए, और इसकी वजह से इसका रिएक्शन जो होगा ये डेवलप होगा। तो ये दोनों मतलब इक्वल और अपोजिट काम करते हैं, दोनों ही टेंशन हुआ करते हैं, जितना टेंशन ये इस पर लगाएगा उतना टेंशन ये इस पर लगाएगा, क्लियर है ना। तो दोनों ही एक ही स्ट्रिंग में टेंशन टी काम करेगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपके पास कि आपके पास ये सिस्टम रखा हुआ है, एक ब्लॉक है ये वाला और एक ब्लॉक है ये वाला, बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग धागा, बीच में ये मासलेस स्ट्रिंग है, और आपने इस पर 600 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 600 न्यूटन का आपने फोर्स लगा दिया। जिस ब्लॉक पर आपने फोर्स लगाया है दैट इज ऑफ कितने किलोग्राम का फोर्स है आपके पास, 10 पर लगाया ना पहला फोर्स, बुक में देखिए, पहला फोर्स आपने लगाया है 10 पर, बच्चों देखो 10 पर लगाया है, ओके, और ये कितने किलोग्राम का है, 20 किलोग्राम का है, चलो 600 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग दैट इज इक्वल टू 600 न्यूटन, समझ में आया। बच्चों आपने देखा होगा कि अगर इंजन एक्सेलरेशन लेता है, अगर इंजन भी करता है तो पूरा एक्सेलरेशन गाड़ी के लास्ट वाले कोने तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, जो एक्सेलरेशन होता है लास्ट वाले कोने तक गाड़ी के पहुंचता कि नहीं पहुंचता, क्यों नहीं पहुंचता, अगर ये बताइए गाड़ी स्पीड होगी, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर गाड़ी के अगले हिस्से में वेलोसिटी में चेंज आएगा तो गाड़ी का लास्ट वाला बोगी भी उसी वेलोसिटी से चेंज होता कि नहीं होता। अगर आगे की गाड़ी का इंजन तेज भागता है तो पीछे का भी तो तेज भागता है कि नहीं भागता, मतलब एक्सेलरेशन पूरे में यूनिफॉर्मली ट्रेवल करता है, समझ में आया ना। जो झटका आगे वाला इंजन मारता है वही झटका पीछे वाला बोगी भी गार्ड का डिब्बा भी खाता है। तो याद रखना एक बात कि बच्चों पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, पूरी गाड़ी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, समझ में आया ना। अगर आप फोर्स लगा रहे हो मल्टीपल डिब्बों में तो जो एक्सेलरेशन ट्रेवल होगा पूरे में सब में क्या होगा, सेम। क्लियर हुई है बात कि नहीं हुई, तो लिख लो इस क्वेश्चन में, बुकलेट में ही लिख लो नोट, एक्सेलरेशन विल बी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है ना, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा, लिख लिया। अब देखो पहली बॉडी का मास निशा 10 किलोग्राम, दूसरी बॉडी का मास कितने किलोग्राम, 20 किलोग्राम, अब टोटल मास कितना हो गया, m1 plus m2 equal to कितना, 30। टोटल क्यों निकाला, क्योंकि जो आपने फोर्स लगाया है पूरे टोटल बॉडी पर तो लगाया ना, पूरी ट्रेन पर लगाया, ये दो बॉडी है तो दो बॉडी पर आपने मिलकर के फोर्स लगाया। अब ना आपको निकालना है एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, ये एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगा, जितना आप फोर्स देंगे उसी हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ओके, यस, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है, बेटा डोर लगा दो अच्छे से, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स नेट फोर्स विल बी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और नेट मास, एफ नेट एम नेट ए नेट, बताओ कितना फोर्स लगाया, 600 न्यूटन का लगाया कि नहीं लगाया, कितने मास पर लगाया, 20 प्लस 10 कितना,
30 इनटू ए, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हाउ मच 600 अपॉन कितना 30, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। आप चाहे किसी भी डिब्बे पर बात करो बच्चों, ये एक्सेलरेशन थ्रू आउट वही का वही जाएगा हर जगह। गाड़ी के पहले इंजन से लेकर के लास्ट तक की बोगी में जो एक्सेलरेशन होगा वही कौन वही जाएगा। ठीक है अनिष्का, अगर आपकी गाड़ी का पहला इंजन जितने से एक्सेलरेट होगा, जितने से अपनी रफ्तार बढ़ाएगा, उसी समय गाड़ी का लास्ट वाला इंजन भी अपनी रफ्तार बढ़ाएगा, सेम रफ्तार। समझ में आया ना? चलिए ये हो गया, देन इसके बाद आगे देखते हैं। अब आपको निकालना है टेंशन। ये देखिए बच्चों, अब ये आ गया टेंशन का डायग्राम। नंबर वन, ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए पर आपने फोर्स लगाया, ये ब्लॉक ए पर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, तो ये है फोर्स लगाया, तो ये हुआ फोर्स का एक्शन। इसको मान लो फोर्स का एक्शन, क्योंकि फोर्स लगाया है तो वो भी तो पीछे वाली बॉडी को यही खींचेगा ना। ये लगा एक्शन, ये इस वाली बॉडी को यहां की तरफ खींचेगा, पीछे वाली बॉडी को। अब जैसे एक्शन देगा तो रिएक्शन प्रोड्यूस होगा इस पर, तो बेटा ये कहलाएगा टेंशन। तो टेंशन इज द रिएक्शन फोर्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कि टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है। एक ही तरीका है टेंशन की डायरेक्शन को पहचानने का, आप इसको रिएक्शन मानो। समझ में आ गया ना? तो अभी आप यहाँ पुल कर रहे हो, तो पुल कर रहे हो तो हमेशा रिएक्शन जाएगा बैक साइड। रटने के लिए आप रट सकते हो कि हमेशा जो टेंशन होती है पुल करने पर, जो टेंशन होती है वो मोशन के अपोजिट काम करती है। खेल खत्म। अब आप इसको कहाँ पुल कर रहे हो? आगे की तरफ। मोशन इस तरफ हो रहा है, टेंशन कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। खेल खत्म, बस इतना हो गया। ये आपका टेंशन हो गया। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका फोर्स, इस पर टेंशन लगने लग गया, तो ये आपका इस पर हो गया टेंशन। क्लियर है? अब चलिए, अब बनाते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। कभी भी आपको, जैसे मैं आपसे क्या क्या पूछ सकता हूँ, ये दो बोगी की ट्रेन है, मैं बोलूंगा बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा है, आप बता लोगे बड़े आराम से 600 न्यूटन। मैं आपसे बोलूंगा बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा है, बच्चों इस पर 600 न्यूटन नहीं लग रहा है, इस पर 600 न्यूटन नहीं लग रहा है, इस पर कुछ कम लग रहा है फोर्स, 600 न्यूटन इसने खा लिया, 600 न्यूटन से कुछ कम होके इसको मिलेगा बच्चों। समझ रहे हो मेरी बात? इसको 600 न्यूटन नहीं मिलेगा फोर्स। आप थोड़ा थिंक करो, सोचो, देखो आपके पास बहुत सारी बोगियां लगी हुई है रेलवे की, ये इंजन लगा हुआ है, आप सोचो जरा, सबसे ज्यादा टेंशन किस वाले पर होगा, यहाँ पर होगा या लास्ट वाले पर होगा? अच्छा, सबसे ज्यादा ये पूरी बारात को खींच रहा है ये, यस और नो? कभी लाइन में खड़े हुए हो, अगर किसी पीछे वाले ने धक्का दिया हो तो सबसे ज्यादा गहरी चोट लगती है आगे वाले को, यस और नो? सबसे ज्यादा जो धक्का खाता है वो आगे वाला खाता है। तो ये धक्के की बात थी, वो हो रहा था यहाँ से पुश, तो अगर पुश होगा, अगर पुश होता है तो सबसे ज्यादा चोट कौन खाएगा? जो सबसे आगे है। बट यदि पुल होता है, अगर पुल है तो इंजन के बाद जो सबसे पहले नंबर पे है वो धक्का खाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो सबसे ज्यादा टेंशन इस पर काम करेगा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, कम कम होते होते टेंशन इस पर क्या हो जाएगा? सबसे कम। क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है ना? अगर आप एक ह्यूमन चेन बनाए, बहुत सारे लोगों को हाथ पकड़ करके चेन बनाए, अगर आप बहुत सारे लोगों को हाथ पकड़ करके चेन बनाए और एक बंदे ने इधर से हाथ खींच दिया, तो सबसे ज्यादा तनाव हाथ पे किसके पड़ेगा? जो सबसे लास्ट में था या सबसे आगे था? जो सबसे आगे था उसका हाथ बहुत जोर से खींचेगा, क्योंकि पूरा फोर्स कैरी होते हुए सारा जो टेंशन है सारे लोगों का वहां पे पड़ रहा है, पड़ रहा है ना? इसलिए अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए, ये वाली ब्लॉक के लिए। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम आपको इसके लिए सॉल्व करना है। इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बताते हैं? क्योंकि हम इंडिविजुअल पता करना चाहते हैं कि इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, फोर्स का अमाउंट क्या है, हमको क्या निकालना है, ए पर कितना टेंशन है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए पर कितना टेंशन होगा, इसका जो टेंशन होगा वो इस तरफ जाएगा अपोजिट साइड मोशन के। ये हमने बनाया ब्लॉक ए। क्या क्या हो रहा है? एक तो इस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, बोलो यस। एक इस पर क्या लग रहा है बैक साइड में बच्चों? टेंशन, तनाव, टेंशन लग रहा है। और इन सब के बावजूद मोशन हो रहा है, मोशन का एक्सेलरेशन कितना है? ए। मोशन का एक्सेलरेशन कितना है? ए। मैं आपको न्यूटन्स लॉ सिखा रहा हूं अभी, लगाना कि न्यूटन्स लॉ लगता कैसे है।
बिल्कुल बहुत ही कम बनता है बच्चों से न्यूटन्स लॉ लगाना। अब देखो न्यूटन्स लॉ कहता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, नेट फोर्स। ये बताइए मेरे को मुस्कान कि इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पर इस सिस्टम में दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो जो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन किस तरह पूरा, राइट साइड में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, मतलब बड़ा फोर्स कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। तो हमें उसी के डायरेक्शन में लिखते हैं। पहले हमने क्या लिखा, लगने वाला फोर्स कितना F, पीछे की तरफ क्या लग रहा है टेंशन, क्या लिखो प्लस टी या माइनस टी, वेरी गुड, बस ठीक है, यहाँ पे माइनस टी इक्वल टू मास, इस बॉडी का मास बोलो कितने किलोग्राम, 10 किलोग्राम, इस पर एक्सेलरेशन कितने का लग रहा है बच्चों, निकाल चुके ना 20 का एक्सेलरेशन, ओके चलिए ये हो गया। F F F कितना था, कितने न्यूटन था, 600 न्यूटन, यस और नो, 600 न्यूटन, माइनस टी इक्वल टू कितना हो गया 200, बोलो यस और नो, टी को यहाँ लेके आइए, टी इज इक्वल टू 600 माइनस कितना 200, आंसर टेंशन इक्वल टू कितना, जी हाँ, यहाँ पर जो रस्सी पे तनाव होगा ये कितने न्यूटन का होगा, समझ में आया, इस पर 400 न्यूटन का टेंशन काम करेगा, इस डोरी पर, रस्सी पर, समझ में आया, इस पर 400 न्यूटन का टेंशन काम करेगा, तो ये जो है इस पर जो तनाव काम करेगा वो कितना होगा 400 न्यूटन, तो फर्स्ट आंसर इक्वल्स टू 400 न्यूटन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो 400 न्यूटन मतलब एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, मतलब इस पर कितने का पुल पड़ेगा, इस बॉक्स पर कितने का पुल पड़ेगा 400 न्यूटन का, इस पर कितने का पड़ रहा था 600 न्यूटन का, देख लो यहां पर कितने का पड़ रहा था पुल 600 का, ब्लॉक ए पर पुल पड़ रहा था 600 न्यूटन का, ब्लॉक बी पर पुल पड़ रहा कितने का 400 न्यूटन का, और कोई पीछे आएगा तो पुल कम का पड़ेगा कि ज्यादा का, कम का, समझ में आ रहा ना, मतलब जितना पीछे बॉक्स होते जाएंगे पुल उतना ही कमजोर होता जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलो ये तो लिखा हुआ है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। पहला आपने सिस्टम ये था, अब दूसरा सिस्टम में हमने ये कहा कि आप बी वाले बॉक्स को आगे कर दो और ए वाले बॉक्स को पीछे कर दो, अभी 10 केजी आगे था 20 केजी पीछे था, अब 20 केजी आगे है और 10 केजी पीछे है, यही हो रहा ना, अब 20 केजी आगे है और हाँ देखिए ये है, ये वाला है बॉक्स बी, ये देखिए ये सिस्टम बन गया है, अब ये है बॉक्स बी, बी का बॉक्स है 20 केजी और ये है 10 केजी, अब कहा गया बॉक्स बी को पुल करो, बॉक्स बी को आप पुल कर रहे हो वही 600 न्यूटन से, जरा आप पिछली सिचुएशन के बारे में ध्यान दो और थोड़ा अपने मन से सोच के बताओ, पहले यही फोर्स 10 किलोग्राम पे लग रहा था, ये पुल कर रहा था, देखो पहले 10 किलोग्राम का डिब्बा आगे था और 20 किलोग्राम का डिब्बा पीछे था और आपने फोर्स लगाया था यहाँ पे 10 केजी वाले पे, समझ में आया, 10 केजी वाले पे आपने फोर्स लगाया था 600 न्यूटन फोर्स लगाया था और 20 केजी वाला पे पीछे था, इस बार आपने क्या कर दिया है, 10 वाले को पीछे कर दिया है और 20 वाले को आगे कर दिया है और 600 न्यूटन इस पे फोर्स लगाया है। सिंपल है कंसेप्ट, पहले गाड़ी का हैवी वाला डिब्बा पीछे था और हल्का वाला डिब्बा, लाइट डिब्बा आगे था, अब गाड़ी का हैवी वाला डिब्बा आगे है और लाइट वाला डिब्बा पीछे है, ये बताओ पहले बार के केस में आपके पास जो टेंशन आया था वो आया था 400 न्यूटन आया था, इस बार का टेंशन बढ़ के आएगा या कम हो के आएगा, वेरी गुड, क्योंकि इस बार 10 न्यूटन से खींच रहा है। चलिए तो इस बार अपन वही कर रहे हैं क्वेश्चन, अब अपन को टेंशन किस पर निकालना है, पहले तो वही सिस्टम है, अपन को टेंशन निकालना है, चलो 20 पर लगाया अपन ने, ये इस पर पुल किया, बेटा इसके कारण टेंशन कहाँ लगेगा, इसका मोशन के अपोजिट, यस और नो, चलिए अब लगाते हैं, अपन के पास यही एक्सेलरेशन इस दिशा में काम करेगा, बोलो हाँ, क्योंकि मूवमेंट यही है। फ्री बॉडी डायग्राम ये बना लीजिए, ये है 20 किलोग्राम का बॉक्स है, देखो ये लग रहा है F, पीछे की ओर क्या लग रहा है तनाव टेंशन, और इन सब के बावजूद मोशन हो रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अगेंस्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बड़ा फोर्स कितना F, छोटा फोर्स कितना T, इक्वल टू मास कितना 20 इनटू एक्सेलरेशन कितना 20, ओके F माइनस टी, देखिए F कितना है 600 माइनस T इक्वल टू कितना 400, 600 माइनस 400 इक्वल टू कितना T, आंसर T इक्वल टू कितने न्यूटन
200 न्यूटन, मतलब इस बात बनाओ कितना आ रहा है 200 न्यूटन। तो जब आप भारी डिब्बे पर फोर्स लगा रहे हैं तो टेंशन कम आ रही है, जब आप हल्के डिब्बे पर फोर्स लगा रहे थे तो पीछे हाथी बंधा हुआ था तो टेंशन ज़्यादा आएगी, समझ में आया ना। अगर घोड़ा हाथी को खींचे तो रस्सी पे तनाव ज़्यादा होगा, बट यदि हाथी घोड़े को खींचे तो रस्सी पे तनाव कम होगा, समझ में आई ये बात। तो दोनों बार का टेंशन आपका 200 न्यूटन एक बार आया, एक बार 400 न्यूटन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मासेस ऑफ 8 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम आर कनेक्टेड टू द टो एंड्स ऑफ द इनटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल मतलब ऐसी स्ट्रिंग नहीं कि आपने झुलाया और वो फैल गई, स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है, धागा है, बट धागा खींचने पर फैल नहीं रहा है। इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंशन का मतलब होता बढ़ जाना, इनएक्सटेंशन का मतलब ना बढ़ना। तो दो मास है जिनका मास है 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम, जो कि आपके इनएक्सटेंशिबल स्ट्रिंग के ऊपर लटके हुए हैं, दैट गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द मास आर रिलीज्ड। चलिए अब आपको इसके लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा पुली सिस्टम, कॉपी में हेडिंग डालिए पुली सिस्टम। Yes, pulley system. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एकदम नया टॉपिक आपके लिए, पुल्ली सिस्टम। तो पुल्ली सिस्टम में क्या है, व्हाट इज पुल्ली? फिक्स पुल्ली। फिक्स पुल्ली का मतलब ऊपर आपके पास कोई रिजिड एंड है, जैसे दीवाल है, दीवाल है, और इसमें आपने एक पुल्ली लटका रखी। पुल्ली आपने देखी होगी, घिरनी, कभी कुएं वगैरह में गए हो आसपास घूमने के लिए तो देखा होगा एक घिरनी लगी रहती है, और घिरनी के ऊपर से आप रस्सी डाल देते हैं, ठीक है ना, रस्सी डाल देते हैं। इससे रस्सी से क्या होता है, कोई भी चीज को खींचना इजी हो जाता है, रस्सी से जो पुल करना होता है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट खींचते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट रस्सी की हेल्प से आप पुल करते हैं तो आपको आसानी हो जाती है, देखा होगा ना आपने। ये क्या रहता है, पुल्ली सिस्टम। क्रेन देखी होगी, क्रेन, क्रेन में ऊपर पुल्ली लगी रहती है किसी भी चीज को उठाने के लिए, क्रेन में भी ऊपर क्या लगी रहती है, पुल्ली। क्रेन डायरेक्ट नहीं खींचता, पुल्ली के थ्रू खींचता है, है ना। ऐसा एक उसका हैंगर रहता है ऊपर की तरफ, ठीक ना, फिर यहाँ पर एकदम से पुल्ली रहती है और फिर यहाँ पे वो एंकर लगा रहता है जिससे वो लोग पकड़ते हैं, ये सब लोग, तो फिर उसको बड़ा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और इस एंकर में पकड़ के उसको उठाया करते हैं, ठीक ना। ये हमारे अभी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी जो गाड़ियां आती है उसमें भी पुल्ली लगी रहती है। सो सिंपल, बहुत कॉमन कंसेप्ट है। इट इज ए सिंपल मशीन इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर डिस्क और रिम सेपरेटेड बाय स्पोक हैविंग ग्रूव इट्स एट इट्स पेरिफेरी, है ना। इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, सिंपल इट इज। चलिए ये देखिए आपके पास पुल्ली है। की पॉइंट, इन केस ऑफ लाइट पुल्ली टेंशन इन द ईच रो। अब ये देखो बच्चों कि अगर आपने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट लगाया, अगर आपने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट लगाया है, ठीक है ना, तो अगर ये टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, ये जितना टेंशन यहां पर जाएगा उतना टेंशन यहीं पर आएगा, मतलब पूरी पुल्ली में टेंशन सेम बना रहेगा, समझ गए। जितना तनाव इस सिरे पर होगा उतना ही तनाव इस सिरे पर होगा। अगर आपने यहां पर एक मास लगाया है तो जितना तनाव इस सिरे पर होगा उतना ही टेंशन आपका इस भी सिरे पर होगा। देखो कैसे, जैसे आपके पास ये एक पुल्ली है, अब आपने इस पुल्ली के इस एंड पर आपने एक मास बांध दिया, ये मास आपने बांध दिया, अब इसका टेंशन कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, और ये मास बांध दिया आपने, इसका भी टेंशन कहां जाएगा,
ऊपर की तरफ, क्या लग रहा है? ये तनाव और ये तनाव दोनों अलग अलग होंगे कि सेम होंगे? सेम होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। ओके, जितना तनाव इस रस्सी पर, मतलब तनाव जो होगा यूनिफॉर्म होगा जब तक आपके सिस्टम नहीं बढ़ रहे। हाँ, अगर आपने यहां पर ये भर दिया तो अब तनाव का, अब देखो अब यहां का तनाव जो है अलग हो जाएगा, ये टी वन है और ये टी टू है, तो जाहिर सी बात है यहां का तनाव ज्यादा होगा और यहां का तनाव क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इस डोरी पर यहां कम खिंचाव पड़ेगा और इस डोरी पर ज्यादा खिंचाव पड़ेगा। एक पिक्चर आपने देखी होगी धमाल, है ना, उसमें उसमें वो संजय दत्त गिरता है और पहला बच्चा, उसके नीचे दूसरा बच्चा, उसके नीचे तीसरा बच्चा, वो सारे के सारे लटक जाते हैं। ये बताओ सबसे ज्यादा टेंशन किसको मिल रहा होगा, क्या इस बच्चे को या संजय दत्त को? क्योंकि वो सबसे ऊपर था तो उसने पूरा संभाल रखा था, तो उसके हैंड पे सबसे ज्यादा टेंशन आ रहा होगा। तो यहां टेंशन इसलिए बदल रहा क्यों? अच्छा, उसके बाद इस बंदे पर थोड़ा सा और कम टेंशन, उसके बाद और कम टेंशन, ये लास्ट में क्रिस लटका हुआ था मेरे ख्याल से, है ना, तो उसपे और कम टेंशन, तो टेंशन बढ़ता जा रहा है। क्लियर है ना? बट यदि आप एक सिस्टम की बात करोगे तो टेंशन क्या होगा? सेम होगा। अगर एक ही एक मास यहां पे लगे हुए हैं तो टेंशन इधर पे सेम होगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, मींस दोनों तरफ जो होता है टेंशन इक्वल होता है, टी वन इक्वल टू टी टू, ठीक है ना। ये पुल्ली के टाइप्स हो सकते हैं इनको देख करके। अब आइए इस पर सीधे हम इक्वेशन बनाते हैं, जो हमें आपको इक्वेशन सिखाना है बनाने के लिए वो हम इक्वेशन आपको सिखा रहे हैं। देखिए ये आपके पास एक पुली है, ये लटकी हुई है, यहां से एक मासलेस पुली लटकी हुई यहां पे, ठीक है। अब इस पर एक ब्लॉक यू जा रहा है, ब्लॉक का मास है कितना? एम वन, और ये ब्लॉक लौट करके एक ई आ रहा है, ब्लॉक का मास कितना है? M2। थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि M1 is greater than M2, मतलब M1 भारी है और M2 हल्का है। क्लियर है? तो मोशन शुरू हो जाएगी। मोशन कैसे शुरू हो जाएगी? ये पुल्ली के ऊपर ऐसे से घूमने लगी कि गिरनी, बोलो हाँ, मतलब ये वाला ब्लॉक जो है, ये जो सिस्टम है, नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से गिरने लगेगा, बोलो हाँ, कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ना, यस और नो? एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से गिरने लगेगा। अगर ये एक्सेलरेशन से गिरेगा तो ये वाला सिस्टम ए एक्सेलरेशन से कहां भागेगा? ऊपर जाएगा ना, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अब अगर ये नीचे की ओर खिंच रहा है तो इस पर तनाव कहां काम करेगा? दूर की तरफ, यस और नो? टेंशन दूर की तरफ। इसका मास ग्रेविटी फोर्स कहां लग रहा है? नीचे की तरफ, एम टू जी, तो इसका भी तनाव कहां काम करेगा? ऊपर की तरफ, यस और नो? क्लियर है कि नहीं हुआ? अब यहां पर भी टेंशन टी है, यहां पर भी टेंशन टी है। अगर मैं बोलूं इस एंड पर कितना टेंशन होगा? टी प्लस टी इक्वल टू हाउ मच? टू टी। इस पर टेंशन कितना होगा? टू टी। क्लियर यहां तक हो गई बात? अब हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने हैं वन वन ब्लॉक में। हमें क्या 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 फाइंड करना है? नंबर वन एक्सेलरेशन, नंबर टू रस्सी पर टेंशन। ये दो चीजें फाइंड करने को आती है, एक्सेलरेशन फाइंड करो और रस्सी पर टेंशन फाइंड करो। पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जाता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है नेट फोर्स अपॉन नेट मास। बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए नेट फोर्स अपॉन नेट मास। टोटल मास कितना होगा बोलो? एम वन प्लस एम टू। और नेट फोर्स कितना होगा? इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, ये तो डेवलप है, ये तो डेवलप्ड फोर्स है। एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं मैं, एक्सटर्नल। एक क्या लग रहा है? M1g और दूसरा क्या लग रहा है? M2g। तो आपके पास नेट फोर्स कितना होगा? M1g, जिसकी तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है डाउनवर्ड, और दूसरा क्या? M2g। क्या लगा हूं, प्लस या माइनस? नहीं, M2g। देखो एक्सेलरेशन अपोज में जा रहा है इसका, तो M2g माइनस में जाएगा, सपोर्ट नहीं करेगा। सो इट विल बी हाउ मच? माइनस M2g। ये शॉर्ट ट्रिक है केवल एक्सेलरेशन को याद रखने की, कोई मैंने ऐसे मतलब कुछ डिराइव नहीं किया, अभी डिराइव करूंगा। तो दिस इज शॉर्ट ट्रिक। ए एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन की तरफ सपोर्टिंग फोर्स कौन सा है? M1g ना, एक्सेलरेशन का सपोर्ट कर रहा है M1g, मास इनटू ग्रेविटी, वेट इक्वल टू M1g, ये अपोज कर रहा है तो ये माइनस में आएगा। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? तो ये इस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन। अभी देखिए इसका डेरिवेशन कर रहा हूं कि इसमें आपको कैसे निकालना है सारी बातें। ओके, फर्स्ट बॉडी पर बात करते हैं, पहली बॉडी पर आ जाइए। अब देखिए यहां पर सिस्टम क्या है, यहां पर इन लोगों ने M1 को भारी माना है, ये वाला ब्लॉक भारी है, तो ये नीचे की तरफ खींचेगा।
जाएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, समझ रहे हो? ये वाला ब्लॉक कहां की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। चलो पहला ब्लॉक देखता हूं, पहला ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए इस बार रिवर्स है, M1 ब्लॉक। सबसे पहले इस पर एक सेल्फ जनरेटेड ग्रेविटी की तरफ फोर्स लगेगा, क्या? हाउ मच? M1 into G, yes or no? Weight equal to mg, तो मास कितना? M1, तो M1 into G ग्रेविटी की तरफ लगेगा, से yes or no? Okay, ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा? टेंशन लगेगा। इस सारी दुर्घटनाओं के बाद आपका जो नेट एक्सेलरेशन कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ, यस और नो? क्योंकि ये हल्का है और वो वाला मैंने भारी ले रखा है। ओके यस, अभी बोला मैंने दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज लो, ये हॉलो है, थोड़ा सा कमजोर है। ओके ये हैवी है, दिस इज लाइटर, दिस इज हैवियर। ओके क्लियर, नॉट क्लियर? चलिए तो ये जो है, ओहो अभी तो M1 पर निकाल रहे ना, गलत बोल गया। देखो एक्सेलरेशन नीचे रखा हुआ है, मतलब बॉडी नीचे जा रही है, सॉरी दिस बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड, दिस बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड, क्लियर ना? ओके तो ये बॉडी डाउनवर्ड जा रही है। नाउ फॉर्मूला, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बताओ डोमिनेटिंग कौन सा फोर्स होगा, नीचे वाला है ऊपर वाला? नीचे वाला, बिकॉज ये बड़ा है ना, डोमिनेटिंग है ना, यस और नो? ओके तो नीचे वाला एम वन जी, हाँ ऊपर टी, माइनस या प्लस? माइनस। एम वन जी माइनस टी इक्वल टू हाउ मच? एम वन इंटू कितना? ए। एम वन इंटू ए, क्लियर हो गया? टी को इस तरफ ले जाइए, ले जाना हो तो एम वन जी माइनस टी इक्वल टू एम वन ए, नथिंग, लीव इट। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ कम दिस वन फोर्स, सेकेंड वाला ब्लॉक पे आ जाओ बेटा। ये सेकेंड वाला ब्लॉक है एम टू, अंशिका इस केस में एम टू क्या है, हल्का है या भारी है? हल्का है। ओके तो हल्का वाला ये नीचे गिरेगा, उसका एक्सेलरेशन कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। ए एक्सेलरेशन से अगर ये नीचे गिरेगा तो दूसरा वाला ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, यस और नो? ओके ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अब नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एम टू जी। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन। ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन सेम एक्ट करेगा कि अलग अलग? सेम एक्ट करेगा, डोरी में तनाव बिल्कुल सेम होगा। ओके ये टेंशन सेम होगा, क्लियर है? चलिए एम टू जी, अब इक्वेशन में आता हूं, बोलो डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा? रॉन्ग, विच इज डोमिनेटिंग फोर्स हियर? ऊपर जा रहा ना सिस्टम, तो डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा? टी। सेकेंड इक्वेशन टी माइनस कौन सा? एम टू जी इक्वल टू वर एम टू इंटू ए, क्लियर ना? टी माइनस एम टू जी माइनस एम टू ए, दिस मीन्स दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर? नाउ फ्रॉम सेकेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी को फाइंड करेंगे, दिस इज व्हाट? एम टू जी प्लस एम टू ए, यस और नो? ये इधर चला जाएगा तो एम टू जी इधर आ जाएगा, नहीं आ समझ में? लुक दिस इज टी ना, टी दिस इज एम टू ए, एम टू ए, नाउ मेक एम टू जी हियर, दिस इज व्हाट? एम टू जी। नाउ टी यू कैन टेक कॉमन एम टू, यस और नो? टेक कॉमन एम टू, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए प्लस जी। नाउ पुट द वैल्यू हियर, यहां पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एक काम करो कॉमन हमें मतलब अभी पुट करो वैल्यू। नाउ फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, व्हाट इज इक्वेशन वन? एम वन जी माइनस कितना? टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? दिस ना, कैन आई पुट हियर? पुट एम टू ए, अंशिका क्या आएगा आगे, माइनस या प्लस? माइनस आएगा, बिकॉज माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर ना, तो माइनस हो जाएगा। माइनस एम टू जी इज इक्वल टू हाउ मच? एम वन ए, यस और नो? नाउ मेक दिस साइड, एम वन ए तो पहले से ही था, प्लस कितना आ गया? एम टू ए, और यहां पर कितना बचा? एम वन जी माइनस एम टू जी, यस और नो? नाउ टेक एक्सेलरेशन कॉमन, व्हाट इज हियर? एम वन प्लस M2, here M1G minus M2G, okay, now acceleration A is equals to M1G minus M2G divided by what? M1 plus M2 is in multiply, it will come and divide, yes or no? So M1G, this is your formula, देखो मैंने ये short trick लिखाई थी, heavy वाला gravitational force minus हल्का वाला gravitational force upon total mass. This is your acceleration. Okay, with this acceleration, pulley will go downward. ठीक है? Note करिए इसको.